पर जूते मार रहे हैं। गोरखालैंड आपने देखा होगा काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखालैंड को अलग से चाहिए अपने प्रदर्शन के खिलाफ। ममता बनर्जी का इन्होंने पुतला लगाया है जिसपे जूतों की बारिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ममता बनर्जी के पुतले पर बारिश हो रही है जूतों की। यही प्रदर्शन करने का एक इनका नया आक्रोश है। आक्रोश को दिखा रहे हैं अपने गोरखालैंड वाले। और आप जानते हैं कि भाई भाई पिछले कई महीनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। आज हम यहाँ पहुंचे हैं यहाँ पर एक मिला है देखे ममता बनर्जी के पुतले में आग लगा दी गई है। यहाँ पर गोरखालैंड वालों ने ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि ममता बनर्जी इनकी मांगे सुने, मोदी सरकार से इनकी मांगे मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ कि क्योंकि ये इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है लोगों में। गुस्सा ठंडा नहीं हो पा रहा है और ये यहाँ पर जूतों से मारने के बाद आग लगाई और उसके बाद भी जूते मार रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतना गुस्सा है लोगों में, गोरखालैंड वालों में इतना आक्रोश है ममता बनर्जी के खिलाफ कि गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है इनका। मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं जोरों शोरों से। अब शरारतें तो होंगी ही, बेजोड़ शक्ति का ईंधन। स्टे लॉन्गर लास्ट विथ शॉर्ट्स, केवल पुरुषों के लिए। अ प्रोडक्ट बाय केयर एंड क्योर। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फॉर्म इन द फायर न्यूज बैजून। हम अभी हैं जंतर मंत्र के सामने और जंतर मंत्र में आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो मांग है कि एक अलग स्टेट चाहिए इन लोगों को, कि जो वेस्ट बंगाल के साथ अटैच है दार्जिलिंग की तरफ से आए हुए ये लोगों के। आइए हम लोग पूछते हैं, यहाँ पर अंजलि मैम है, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। मैम आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं और आप लोगों का मांग क्या है? मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं पिछले 14 साल से तो दिल्ली में रहती हूँ लेकिन मैं एक गोरखा हूँ और एक मैं इंडियन गोरखा हूँ। हमारा मांग सिर्फ यही है कि आप हमको वेस्ट बंगाल से डीमर्ज करके अलग एक स्टेट दे दीजिए। डीमर्ज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लोग सेपरेटिस्ट भी बोलने लगे हैं लेकिन हम सेपरेटिस्ट नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो 1954 में गलती सर्वे के टाइम हुआ था जिस वजह से आज हम वेस्ट बंगाल के अंदर है, बस उस गलती को आप सुधार लीजिए और हमको एक अलग स्टेट दे दीजिए। क्योंकि गोरखा जो है एक इतनी ऑसम आइडेंटिटी है जो बंगाली आइडेंटिटी के साथ मिक्स नहीं हो सकती है। बंगालीज भी ग्रेट है, वो कम नहीं है लेकिन हम अलग है और अलग होके रहना ही भारतीय होना है। हम चाहते हैं कि हमको एक अलग स्टेट मिले विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, जो स्टेट गोरखालैंड हो, ताकि हम गोरखा जो कि सिर्फ दार्जिलिंग में नहीं रहते, गोरखा जो डुअर्स में भी रहते हैं और गोरखा जो पूरे भारत में रहते हैं उनको एक आइडेंटिटी का स्टेट मिले, हम ये हक से बोल सके और हम ये बोल सके कि हम इंडियन है क्योंकि हम गोरखालैंड से आते हैं और हमको उसके बाद कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैम आप ये चाहते हैं कि आपको अलग स्टेट मिले, कि बंगाली क्या वो लोग इंडियन नहीं है जो आप लोग एक साथ चाहते हैं कि एक साथ रह रहे हैं बट आप लोग अलग चाह रहे हैं, ये आप 1954 की बात कह रहे हैं? 1954 में ऐसा क्या हुआ था जो बता रहे हैं? 1954 में अगर आपको पता होगा सारे स्टेट रिकंस्ट्रक्शन हुए थे इन लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे। लेकिन तब जब सर्वे हुआ था उन्होंने ये दिखाया था, जैसे अगर आप किसी को भी लो दार्जिलिंग, अगर आप किसी भी कम्युनिटी को लो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्स होते हैं, उन्होंने क्या किया गोरखा के जितने भी सब सेक्स होते हैं उनको भी एक अलग अलग डिवाइड करके उन्होंने पूरा दिखाया कि नेपाली बोलने वाले गोरखा यहाँ पे बहुत कम रहते हैं, इस वजह से आज हम वेस्ट बंगाल में है। अगर वो सर्वे करेक्टली हुआ होता तो वहाँ पे क्लियरली दिख जाता कि गोरखा मेजोरिटी में है उस एरिया में और वो अलग स्टेट तभी बन चुका होता। तो हम चाहते कि वो गलती जब आपने तब की थी उसको सुधार लीजिए, क्योंकि जो गलती होती है उसको सुधारने में आप बड़े होते हो, छोटे नहीं होते हो। हम बंगाल को तोड़ना नहीं चाहते क्योंकि जो चीज एक है ही नहीं वो टूट नहीं सकती। जिसको आपने मर्ज किया था हम चाहते हैं कि आप उसको डीमर्ज कर दो। हम अलग थे, अभी भी अलग है क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अभी भी हमको नहीं गवर्न कर पाती, इसीलिए पहले उन्होंने डीजीएचसी दिया अब जीटीए दिया। उनके गवर्नेंस के से तो हम हमेशा ही बाहर रहे लेकिन अब ये सही समय है कि आप अपनी गलतियों को सुधार लो और हमको एक अलग स्टेट दे दो। अभी वहाँ के मिनिस्टर कौन है? आप
किससे अपील कर रहे हैं इस चीजों के लिए कि आपको अलग स्टेट दिया जाए? कौन से मोदी आप हमारी सरकार से निवेदन कर रहे हैं, किससे निवेदन? देखिए मैं एक सिटीजन हूँ इंडिया की, और वो मैं एक ऐसे सिटीजन हूँ जिन्होंने जब मोदी जी ने बोला था डिजिटल इंडिया, मैंने फुल सपोर्ट किया था। जिस दिन मोदी जी ने डिमोनिटाइजेशन लाए थे उस दिन भी मैंने उनको तहे दिल से सपोर्ट किया था, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, लेकिन मैं मोदी जी के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ मोदी जी ही है जो हमें हेल्प कर सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मोदी जी सबसे डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर है आज तक के, और एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो फॉरवर्ड थिंकिंग है और वो किसी से डरते भी नहीं है। तो जो आज मेरी अपील सिर्फ मोदी जी से है, क्योंकि सिर्फ मोदी जी ही गोरखा को गोरखालैंड दिला सकते हैं, और मुझे ये विश्वास भी है कि मोदी जी हमको गोरखालैंड दिलाएंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैम बोल रहे हैं कि सिर्फ मोदी जी है जो इनको अलग स्टेट दे सकते हैं, तो इनका मांग है, तो हम भी चाहते हैं कि इनकी बातों को सुना जाए। आइए हम और कुछ लोगों से पूछते हैं कि इनके आखिर में और क्या चाहते हैं। वहाँ की मिनिस्टर आप कहाँ कहाँ गए थे ये लोग, और किस तरीके से नहीं सुना गया, और जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर आके यहाँ पर आज प्रोटेस्ट करने के लिए जरूरत हो गई लोगों को। आइए हम लोग और लोगों से पूछते हैं कि इनका आखिर में आगे का क्या चाहते हैं ये लोग। मैम आपका नाम और कहाँ से खड़े जी? वो हमारे दार्जिलिंग का, दार्जिलिंग पहाड़ इलाका। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे लिए अलग राज्य मिलेंगे, गोरखालैंड, यही चाहते हैं हम, इसीलिए आते हैं यहाँ पे जंतर मंतर में। हम नेपाल ममता बनर्जी दे ही नहीं रहे, वो तो सारा बंद करके रखा है, खाने वाने का प्रॉब्लम है, सारा वही हो रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया, चैनल काट दिया, अपने कमाई पे जीते हैं, प्रॉब्लम मांग करने के लिए। इनका आपने सुना है कि ये लोग बार बार यही मांग कर रहे हैं कि इनको एक अलग स्टेट दिया जाए। आइए यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम पप्पू प्रधान है, मैं विगत 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, और हम यहाँ पर जो हमारा गोरखाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है दार्जिलिंग में, हम उसके वजह से हम यहाँ आए हैं, और हमारा मांग है गोरखालैंड, एक ही एजेंडा है, और हमारा ना कोई हमें कोई जीटीए चाहिए ना जीजीएसी चाहिए, हमें एक ही मांग है, हमारा गोरखालैंड चाहिए। और दूसरी बात है कि आज तक हमें जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारा साथ जो अन्याय किया है, वादा किया है, हमारा कई नेताओं ने जो बीजेपी सरकारों को, मैं बीजेपी में हमने पहले सबसे पहले हमने जसवंत सिंह को बुलाया था यहाँ, हमने अपना एमपी बना के यहाँ भेजा था, लेके आया था, लेकिन उन्होंने हमारे गोरखालैंड के बारे में एक गांव तक नहीं बोला। और अभी हमारे पास आलूवालिया है, आलूवालिया ने भी आज तक हमारा गोरखाओं के बारे में आज तक कुछ भी नहीं बोला है, अभी तक चुप बैठा है। हमारा यही उनसे ये विनती है कि वहाँ यहाँ आके बोले, ताकि दार्जिलिंग में हमारा कई लोग भाई बहन में हमारा शहीद हो चुका है, और कई लोग भूख हड़ताल में है, अभी उनका हाल अभी बुरा हाल हो रखा, अभी तक उन्होंने चुप्पी साधे हुए, अभी तक चुप बैठे हैं, और आज तक उन्होंने कुछ उनका हमारा दार्जिलिंग के बारे में कुछ नहीं सोचा है। और ये जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा गोरखालैंड पूरा नहीं होगा, तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रखेंगे। तो सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप लोग इससे पहले किस किस नेताओं के पास गए थे, किस किस के पास आप लोग अपने निवेदन को रखा था? ये हमारा मांग के लिए हमारा आज तक जितने भी है, 110 साल से हमारा ये डिमांड है, ये हम अब 110 साल का हम पूरा ना गिनती करके 83 से लेकर आज तक ऐसा कोई मिनिस्टर, कोई ऐसा एमपी, कोई ऐसा एमएलए, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास हमने जाके हमारा अपना दस्ताना सुनाया हो। लेकिन सबने होगा तो बोलता है, लेकिन देता क्यों नहीं है, हम ये पूछना चाहते हैं। अभी मोदी जी ने भी ये बोला गोरखाओं का सपना मेरा भी सपना है, लेकिन वो सपना कब पूरा होगा? अभी तक उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है गोरखा का, उनका ये सब, क्योंकि संविधान में ये लिखा है कि संविधान में गोरखा का हमारा कोई इसमें हमें संविधान से अलग हमारा मांग नहीं है, संविधान में है, लेकिन जितने भी नेता है सब बोलते हैं आपका जायज मांग है, लेकिन जायज मांग है तो देते क्यों नहीं है? आपका कहना ये है कि आप हर एक मिनिस्टर के पास गए हैं, हर एक मिनिस्टर के पास गए, लेकिन किसी ने भी आपका, सबको आपको सिर्फ आश्वासन देते हैं, बट कोई करा नहीं आप लोग पास तक। 83 से आप लोग ये कर रहे हैं, 83 से साल हुए, छोटा छोटा वो दे देते हैं, जैसे जीटीए हो गया, डीजीएससी हो गया, बस छोटा छोटा एडमिनिस्ट्रेशन दे देते हैं, और उसमें हमारा थोड़ा चला लेते हैं, थोड़े कुछ दिन शांत होता है, फिर उन्होंने फिर ऐसे ही करना है। आज तक हमारा दार्जिलिंग से दिल्ली में
आप देख सकते हैं, दिल्ली में इतने हमारा दार्जिलिंग गोरखे लोग है, पढ़े लिखे लोग है, लेकिन दार्जिलिंग में हमें एक नौकरी तक नहीं, एक चपरासी का नौकरी तक हमें दार्जिलिंग में नहीं मिलता है। एक चपरासी के नौकरी के लिए भी नीचे से बंगाली लोग जाते हैं। हमारा गोरखों को एक भी फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर, और कहना चाहिए। और दार्जिलिंग से जितना सोर्स ऑफ इनकम है ये शायद पूरा बंगाल में नहीं होगा। टूरिज्म, टिम्बर और संतरे, ये हर चीज का दार्जिलिंग में हमारा सब कुछ है। इसका होने के बावजूद वो लोग, लेकिन हमारा वहाँ के लोग यहाँ दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे, कहाँ इधर उधर जाके हमें नौकरी करना पड़ता है। ये सब अगर आज हमारा गोरखालैंड होता तो आज हम अपने ही गांव में, अपने ही घर में रह के हम अपना ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारे लिए सब ये गवर्नमेंट, बंगाल गवर्नमेंट ने आज तक हमारे गोरखों को इतना शोषण करके रखा है। इन्होंने ये सिर्फ ये सोच रखा है कि गोरखा जो है सिर्फ एक दरबान है, एक फौज में जाके सिर्फ बॉर्डर को रखवाली करना है, बस यही सोचता है। लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे भी है, लेकिन उनको वहाँ पर हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए हमें सब दर दर भटक के हमें नौकरी के लिए हम नौकरी करना पड़ता है। आज हमें, मेरे को दिल्ली में 40 साल से मैं दिल्ली में हूँ, आज 40 साल से जो हम छोटे मोटे जो नौकरी करके हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा गोरखालैंड होता तो आज हमें ये नौबत नहीं आता। ठीक है, थैंक यू सर। आपने देखा है कि इन लोगों का मांग यही है कि इनको अलग स्टेट दिया जाए, हर एक मिनिस्टर के पास गए, बट सब ने इनको आश्वासन जरूर दिया, तसल्ली जरूर दिया कि आप लोगों का अलग स्टेट दिया जाएगा, बट अभी तक नहीं हुआ। तो ये लोग अभी धरना दे, और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आगे भी ये लोग जितना हो सके इतना टाइम यहाँ रहेंगे।